महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएसबी टेट सीटेट एमपी वर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड आरपीएस। महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी आचार्य कपिल देवकर सब्सक्राइब करें संस्कृत अनुवाद पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक अभ्यास 8 तक का अध्ययन किया। आज हम लोग अभ्यास 9 के शब्दकोश और नियम को देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 160 शब्दों को पढ़ लिया और आज 20 शब्द और पढ़ेंगे। टोटल 180 शब्द हम लोगों ने अध्ययन करेंगे। तो पहला देते हैं अभ्यास 9 के कुछ शब्द। ये देखिए आपका ये बता रहे हैं, संज्ञा शब्द बता रहे हैं जिसमें गुरु मिस गुरु, शिशु मिस बालक, भानु मिस सूर्य, इंदु मिस चंद्रमा, शत्रु मिस शत्रु। ये आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आगे देखें पशु माने पशु, तरु मिस वृक्ष, साधु मिस सज्जन, सरल, वायु मिस हवा। ये आपका उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आगे काणा काना, कर्णा कान, वधिरा वहिरा, विवादा विवाद। ये आपके अब टाइप के आप शब्द समझ सकते हैं अथवा संज्ञा शब्द समझ लें। आगे देखें नेत्रम मिस आँख, सुख सुखम मिस सुख, दुखम मिस दुख, हंसतम मिस हंसना। फिर आगे ये अब खा दिखा रहे हैं धातु रूप, यहाँ से इनका धातु रूप चलेगा। देखिए यहाँ से वस मिस रहना, जीव मिस चीना, उसके बाद अव्यपद अलम मिस बस। अब आइए सूचना ये दे रहे हैं। यहाँ देखिए अभी तक हम लोगों ने देखिए उकारांत शब्द रूप पढ़े जो आपको हरे रंग से दिखाई दे रहा है, गुरु शिशु भानु इंदु शत्रु शत्रु पशु तरु साधु सज्जन सरल चतुर वायु हवा, काण कण बधिरा बहिरा, विवाद विवाद, नेत्रम नेत्र, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हसना। उसके बाद के लाल रंग से धातु रूप बताए वस मिस रहना, जीव मिस जीना। फिर अव्यय पद अलम माने बश, और अब सूचना दे रहे हैं। यहाँ देखिए अब सूचना से देखेंगे हम लोग। ये देखिए सूचना, इन्होंने कहा कि गुरु शिवायु तक गुरुवत अर्थात जितने उकारांत सब शब्द हैं उनके रूप गुरु के समान चलेंगे। इसे उन्होंने गुरु हो वायु शत्रु हो ठीक है प्रभु इत्यादि जितने शब्द बताए उसका शब्द रूप कैसे चलेगा गुरुवत गुरु के समान। फिर इन्होंने बताया आगे कहा कि वस से जीव, वस धातु जीव धातु, जो ये धातु रूप बता रहे हैं उसका रूप भवतिवत चलेगा, भवति के समान चलेगा। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण में ये इस अभ्यास में बताएंगे कि गुरु अर्थात उकारांत शब्दों का प्रयोग, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग, फिर लट भविष्य काल की धातुओं का प्रयोग और तृतीया और कुछ नियम बताकर वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग बताएंगे, कारक की तृतीया विभक्ति का प्रयोग बताएंगे। उसी क्रम हम लोग पहला नियम देखते हैं। पहला नियम है कि गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 3। संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ, नियम 10 इन शब्दों में लगेगा, जैसे शत्रु गुरु शत्रु तरु, जैसे गुरुणा अर्थात तृतीया तृतीया एक वचन में गुरुणा और षष्ठी वचन में गुरुणाम, तृतीया एक वचन में शत्रुणा और षष्ठी वचन में शत्रुणाम। तो आइए यहीं पर हम लोग रोक कर आइए गुरु शब्द का रूप पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। उसी प्रकार उकारांत सारे शब्द भानु हों ठीक है शत्रु हों इत्यादि सब शब्द उसी का रूप चलेंगे। तो हम लोग आइए चलते हैं गुरु शब्द के तरफ। देखिए गुरु शब्द आपके सामने
स्लाइड में गुरु शब्द दिख रहा होगा, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे गुरु शब्द का रूप चलेगा इसी तरह उकारांत सारे पुल्लिंग शब्दों का रूप चलेगा। तो यदि हम एक वचन में देखें तो बनेगा, एक वचन में केवल सात विभक्ति के एक वचन हम देखें तो इस तरह हम लोग रूप पढ़ेंगे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु गुरौ गुरौ गुरोः, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरोः, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु 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 गुरु। यहाँ देखिए, यहाँ तक चतुर्थी तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। इस तरह पढ़ें, वाचन करके देखें आप, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरोः, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरोः, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरोः। फिर दो वचन में आप देखेंगे, दो वचन में थोड़ा हटके रहेगा इस तरह, दो वचन में केवल गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुभ्याम, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः हे गुरु, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः हे गुरु। अब बहुवचन में यदि हम देखें, बहुवचन में देखिए, गुरुवा गुरुन गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु हे गुरुवा। एक वचन में देखें, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ हे गुरोः, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवो हे गुरु, गुरुवा गुरुन गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु हे गुरुवा। इस तरह उकारांत भानु शत्रु इत्यादि सबके चलेंगे। एक बार भानु का देख लें, भानु हो भानुम भानुना भानवे, भानु हो भानु हो भानव हे भानु। दो वचन में, भानु हो भानु हो भानुभ्याम 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 भानुओ हो भानुओ हे भानु। बहुवचन में, भानवाह भानुन भानु भी भानुभ्या भानुभ्या भानुनाम भानुसु हे भानवाह। इस तरह उकारांत जितने शब्द हैं सभी के रूप इसी भांति चलेंगे, चाहे शत्रु हो चाहे भानु हो चाहे गुरु हो, सारे रूप इसी तरह चलेंगे। इसके बाद लिट लकार बता रहे हैं कि भवति के तुल्य लिट लकार रूप चलेगा, तो आइए कुछ लिट लकार के रूप भी हम लोग समझते हैं। इसके पहले नियम पे चलते हैं, नियम से ही हम लोग समझेंगे। देखिए, हमको कुछ धातुओं का भविष्य लिट लकार के रूप पढ़ने हैं, तो इसी देखिए, इसे गम धातु पठ धातु का है तो पठिष्यति बनेगा रूप, ग्रम का है गमिष्यति बनेगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, हस का हसिष्यति, रक्ष का रक्षिष्यति, वध का वधिष्यति, आगम का आगमिष्यति, क्रिय धातु का करिष्यति, और खाद का खादिष्यति, ठीक है, क्रीड का क्रीडिष्यति, पत का पतिष्यति, स्मृ धातु का स्मृष्यति, हर का ह्री का हरिष्यति, इच्छ का एशिष्यति, लिख का लेखिष्यति, चोर का चोरिष्यति, चिंत का चिंतिष्यति, कथ का कथिष्यति, मच्छ का मृग का मच्छिष्यति, रच का रचिष्यति इत्यादि रूप बनेंगे। अफिन रच का रचिष्यति, देवी का देविष्यति, नृत्य नृत्यति, नशिष्यति, भ्रम का भ्रमिष्यति इत्यादि रूप, भक्ष का भक्षति, नृ का नश्यति, और दृश्य का दृश्यति, स्था का स्थास्यति, पा का पाश्यति, घृ का घ्रास्यति, संस्यति,
और जेस जे का जेष्यति इत्यादि रूप बनेंगे। उस तरह नेष्यति, तोष्यति, स्पृच्छति, पृच्छति, प्रवेश्यति, वत्स्यति इत्यादि रूप लट लकार अर्थात भविष्य काल के ही बनेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने सूचना में जो गुरु शब्द के रूप पढ़ने थे उस साथ में धातुओं के लट लकार भविष्य काल के रूप पढ़ने थे, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे भू धातु के ये एक देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि एक कैसे बनता है। तो लिट का भू धातु बता रहे हैं लिट लकार का भविष्य काल वाले में, तो बोल रहे हैं भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, मतलब इच्छति श्यताश्यन्ति लगा कर बनता है। सारे रूप हम लोग देख चुके हैं। फिर भविष्य से भविष्यता भविष्यत भविष्यामी भविष्यावा भविष्यामी, एक बार इसको देख लें और साथ में वाचन करेंगे। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यथ भविष्यामी भविष्यावा भविष्यामः, ये आप जानते रहें, इसको याद कर लें, आगे के रूपों में आपको सहायता मिलेगी। इसी तरह यदि पठ धातु का पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यथ पठिष्यामी पठिष्यावा पठिष्यामः, इस तरह सारे धातु के रूप बनेंगे। ये नीचे सूचना दे रहे हैं, यहाँ उन्होंने सूचना दी कि इन पूर्वोक्त पूर्व उक्त पहले कही गई धातुओं में इच्छति आदि लगाकर रूप बना में, जैसे भू का भविष्यति, पठ का पठिष्यति, गम का गमिष्यति, रक्षा रक्षिष्यति, वध का वधिष्यति, आगम का आगमिष्यति, क्रिय का करिष्यति, खाद का खादिष्यति, क्रीड का क्रीडिष्यति, पद का पतिष्यति, स्म का स्मृष्यति, ह्री का हरिष्यति, इसका एष्यति, लिख का लेखिष्यति, चूर का चोरिष्यति, चिंत का चिंतिष्यति, कथ का कथिष्यति, भक्ष का भक्षिष्यति, रक्षति रक्षति, दिव्यष्यति, निश्यति निश्यति, भ्रमिष्यति इत्यादि रूप बनेंगे। और फिर खा दिखा रहे हैं कि इनमें इष्यति आदि लगाओ, जैसे पचिष्यति, नमिष्यति, द्रक्ष्यति, स्थास्यति, पाष्यति, घृष्यति, सीदस्यति, जेष्यति, नेष्यति, तुदस्यति, तुष्यति, तोष्यति, सॉरी तोष्यति, स्पृश्यति, पृच्छति, विष्यति, वस्यति इत्यादि। देखिए इसे स्थास्यति, पाष्यति इत्यादि रूप बनाऊ में, ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये नियम 17 देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि अलम वश मत के साथ तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात जो अलम अव्ययपद होता है जिसका अर्थ है वश है अथवा मत है, का यदि प्रयोग हो तो इनके साथ झगड़ा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे है झगड़ा मत करो, क्या है झगड़ा मत करो, ये है सेंटेंस, आप देख लें झगड़ा मत करो। तो यहाँ मत के अर्थ में अलंग प्रयोग होगा, इसलिए झगड़े में तृतीय विभक्ति लगेगी। अलम विवादेन, मत का प्रयोग अलम विवादेन, झगड़ा मत करो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि यदि अलम अव्यय पद का प्रयोग हो रहा है तो जिसके साथ योग हो रहा है उसमें तृतीय विभक्ति लगानी चाहिए। फिर बोले मत हंसो, अलम हंसतेन, चूँकि अलम के कारण हंसतेन में तृतीय विभक्ति लगी, अलम हंसतेन बना रूप अलम हंसतेन, मत हंसो अलम हंसतेन। फिर आइए नियम नंबर 18। नियम नंबर 18 ये कह रहे हैं, जो थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, नियम नंबर 18 कह रहे हैं ये, सॉरी ये 18, नियम 18 एनांग विकारा, एन अंग विकारा, एनांग विकारा ये तृतीय विभक्ति का सूत्र है। इसका मतलब कि एन अंग विकारा, एन मतलब जिस या धातु का तृतीय विभक्ति एक वचन, एन जिस अंग में, अंग में विकारा विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। कहते हैं यदि मनुष्य के कोई अंग है उसमें विकार हो, उसमें विकलांगता पाई जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति का, उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आगे बता रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं कि शरीर के जिस अंग में विकार विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आँख से काना अथवा आँख से काना, तो यहाँ
जो विकलांगता, जो विक्षिप्तता, जो विकृति दिखाई दे रही वो आँख में दिखाई दे रही, इसलिए आँख में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और बाकी जो संज्ञा होगा, जो जो रोग होगा उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होगा। और इस तरह बनेगा नेत्रेण काणा, नेत्रेण काणा। इसे सिर से गंजा, सिर से गंजा, तो सिर से खलवाटा, पैर से लंगड़ा, पादेन खंजा इत्यादि। जिस अंग में विकार हो उसमें इन अंग विकार से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब नियम नंबर 19 देख लें। नियम नंबर 19 कहता है कि प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय व्यक्ति होती है। बोले प्रकृति, स्वभाव इत्यादि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्वभाव शेषरण क्या है, स्वभाव शेषरण, तो प्रकृत्या साधु, प्रकृत्या साधु, तो इसमें स्वभाव प्रकृति अर्थात जिसका स्वभाव है, जिसका नेचर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो स्वभाव और नेचर में स्वभाव नेचर शब्द में तृतीय व्यक्ति होगी। जैसे बोले स्वभाव से सरल, तो बोले प्रकृत्या साधु, स्वभाव से सरल। और इस सूत्र के कारण यहाँ पर प्रकृत्या शब्द में तृतीय व्यक्ति लगी। फिर बोले सुखेन दीव जीवती, सुख से जीवाती जीता है, तो यहाँ सुखेन शब्द प्रकृति है, स्वभाव है, उसका व्यवहार है, इसलिए सुख में तृतीय व्यक्ति लगाकर बना प्रयोग, सुखेन जीवति। फिर दुखेन जीवति, दुख से जीता है, वही प्रकार यहाँ प्रकृति स्वभाव है, इसलिए दुखेन शब्द में तृतीय व्यक्ति लगाकर रूप बना दुखेन जीवति। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक